नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और अलर्ट इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अलर्ट इंडिया न्यूज हमेशा नए नए मुद्दों को लेके लोगों के बीच आता है। आज एक बार फिर हमारे साथ कांग्रेस की लीडर खुशबू भगत जी हैं, जो किसानों के मुद्दे को लेके चली हैं। हाल ही दिनों में इन्होंने एक मेमोरेंडम जो है वो DC साहब को दिया था, उनसे बात करते हैं कि उन पे उस मेमोरेंडम को लेके क्या कार्रवाई हुई है। जी मैडम जी, नमस्ते। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ दिनों पहले मैंने हमारे जिला अधिकारी जी को मेमोरेंडम दिया था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और किसानों की फसल कटाई की समस्या थी। और बहुत ही हर्ष की बात है कि अब जो है हमें परमिशन दी गई है किसानों को फसल की कटाई की, और इसका बेहतर प्रारूप बनाया गया है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भली भांति उनको फॉलो करते हुए हम अपनी फसल की कटाई कर सकते हैं। जी खुशबू जी, आपको जो ये बताइए कि जो आपने मेमोरेंडम DC साहब को दिया था, उसमें क्या क्या मांगे जो है आपने रखी हुई थी उस वक्त? जी, हमारी मांग यही, फसल का टाइम जो है वो निकट आ चुका था, तो हमारी यही मांग थी कि लॉकडाउन के चलते जो है वो फसलों की कटाई कैसे होगी, इसका सरकार एक बेहतर प्रारूप बनाए, ताकि जो है किसानों को किसी भी तरीके की समस्या ना आए फसल काटने में। तो आप मुझे ये बताइए कि कितना असर हुआ है उस मेमोरेंडम का जो आपने दिया था? जी बिल्कुल, बहुत ही हर्ष की बात है कि सरकार ने इसे पूरी संवेदना, प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इसको लिया, बहुत ही गंभीरता से इसको लिया और इसका समस्या का हल निकाला। और उन्होंने, मैं बता दूं कि हमारे ज़िला प्रशासन ने, हमारे ज़िला जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको भी उनको एक नोडल ऑफिसर बनाया है, और विस्तृत रूप से वो जो है आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं। यदि किसी को भी कुछ भी जानना है तो वो विस्तृत रूप से आपको बता सकते हैं इसके बारे में। खुशबू जी, आप हमें ये बताइए कि एक दो दिनों पहले हम देख रहे थे कि किसान रथ एक ऐप जो है वो निकाली गई है केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेके, तो क्या कहेंगी इस टाइम किसान रथ यात्रा, कितना लाभ होगा किसानों को उनका? देखिए, ये तो एक मखौल वाली बात है। आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी जो है वो इस इंटरनेट की सर्विसेज का जो है 2G सर्विसेज हमारे पास है, हम तो एक डिजिटल लॉकडाउन की दुनिया में जी रहे हैं ना जम्मू कश्मीर के लोग, तो इंटरनेट की हमें मुहैया नहीं कराया जा रहा 4G, तो इसके चलते जो है वो ऐप कितनी लाभकारी होगी ये तो समय ही बताएगा। और क्या मैसेज जो है किसानों को आप देना चाहती है अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से? किसानों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि अब हम जो है फसलों की कटाई बिल्कुल आरामदायक तरीके से कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा हमें पूरा जो है वो इसका सपोर्ट दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं विजय उपाध्याय जी, जिनसे आप विस्तृत रूप से फसल कटाई की समस्या के बारे में जान सकते हैं, यदि आपको कोई समस्या आड़े आती है तो। और हम, ये हमारी जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, कर्मभूमि है, हम अपनी जो है फसलों की कटाई अब कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। COVID-19 को देखते हुए किसानों को क्या मैसेज देंगी आप? फसलों की कटाई के चलते जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए, प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन हमें करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को मैं बार बार कह रही हूँ कि उसको जो है हमें पूरा ध्यान में रखकर फसलों की कटाई करनी है। अपनी सेहत का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल मैं एक बारी फिर डोगरी चाखनी हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग की जड़ा ऐसे फॉलो करना है ते उन आज सारे फसलां जड़े कटी सकने, जे कोई मुश्किल आग ते ओ जड़ा है जाइए जिला अधिकारी जड़ा सारा कृषि विभाग दा है उसी जाइए मिली सकता है। ते तुदा सारे दा धन्यवाद। जे कोई और भी तुंदी मांग होग, और भी कोई समस्या होग, ते ओदी आवाज़ भी जड़ी है मैं नैतिक मेरी जिम्मेदारी है, मैं जरूर चुकगी। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थी खुशबू भगत जी, इनका भी यही कहना है कोविड-19 के चलते
सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसको करना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को जो है वो बार बार ये समझाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये कोई वार नहीं, ये बायोलॉजिकल वार है, ये किसी को दिखती नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये बहुत ज़रूरी जो है वो हर किसान को जो है फसल काटते समय इसका ध्यान रखना है। आगे भी आपको इस तरह की कई चर्चाएं जो हैं आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।